जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 53% महंगाई भत्ता के आधार पर पीजीटी टीचर की पहली सैलरी कितनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो 1 जुलाई 2024 से क्या संभावनाएं हैं कि महंगाई भत्ता मिलेगा, तो आपको बताना चाहता हूं कि 53% की संभावना बताई जा रही है। वैसे न्यूज़पेपर में 54% की भी चर्चाएं थी, मैंने वीडियो भी बनाया था 54% के आधार पर प्राइमरी का और टीजीटी का, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा उस पर आपत्ति की गई और उनके द्वारा यह कहा गया कि जो बढ़ने का आसार है वह 53% ही है। तो पीजीटी टीचर का आग्रह हुआ था कि बताइए, तो मैं 53% के आधार पर यह पीजीटी का ही की पहली सैलरी बताने जा रहा हूं। तो जो लोग इसके इच्छुक हैं वह लोग इसको देखें, बहुत से लोग इच्छुक नहीं होते हैं उसको देखते हैं और फिर यह कहते हैं कि सर भर्ती नहीं आ रही, आप सैलरी पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए दो लोग हैं, एक कह रहा है कि मुझे सैलरी पे वीडियो चाहिए और बताइए सर कि पीजीटी टीचर की वर्तमान में अगर पोस्टिंग होती है तो कितना सैलरी मिलेगा। और जब मैं उनके कहने पर यह वीडियो बना देता हूं तो एक दूसरा लोग है जो कहते हैं कि भर्ती नहीं आ रही है या हम नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप क्यों सैलरी का वीडियो बना रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक क्रिएटर हूं, बहुत से वीडियो का आग्रह आता है उसमें से जो मैं बनाने के लिए सक्षम हूं, जानकारी होती है, मैं उसको आपको बता देता हूं। तो मैं एक क्रिएटर हूं, मैं एक काम करूंगा, अब आपकी मर्जी है कि आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आपके आवश्यक चीजें हैं तो आप उसको देखिए, नहीं आवश्यक चीजें हैं तो आप यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो है जो कि यूजफुल है आपके, आप उसी को देखिए। तो इस वीडियो में मैं यही मतलब पहले से बता दे रहा हूं कि मैं 53% आधार पे पीजीटी टीचर की सैलरी कितनी बनेगी नई नियुक्ति पे, अब आप देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 53% डीए के आधार पर पीजीटी टीचर्स की पहली सैलरी। पीजीटी टीचर का लेवल होता है 1 और ग्रेड पे होता है 4800, और यहीं टीजीटी टीचर का ग्रेड पे 4600 और प्राइमरी का 4200। अब यहाँ देख लीजिए बेसिक पे कितना है, 47600 बेसिक पे है। डीए 53% के आधार पे 25228 रुपये बनेगा। अब यहाँ देखिए सबसे कम मिलता है मकान किराया भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में 1870 रुपये ही मिलता है। यही अगर टीजीटी टीचर का देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में तो 1840, केवल 30 रुपये अधिक मिलता है। अब क्या लॉजिक है अब नहीं बता पाएंगे, लेकिन एचआरए कितना 1870 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। इनको जोड़ेंगे तो टोटल सैलरी, टोटल अर्निंग या ग्रॉस मंथली सैलरी पता चलती है, जो कि बनती है 74698 रुपये। लेकिन इतना मिलेगा नहीं, इसमें कटौती होगी। कटौती क्या होगी, यहाँ देखिए डिडक्शंस में देखिए, मैं यहाँ एनपीएस डिडक्शन ही दिखा रहा हूँ, बाकी इनकम टैक्स भी कटता है याद रखिएगा। 7.5 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम जो था उसके ऊपर की धनराशि पर टैक्स लगता था, यहाँ 7.5 लाख के नीचे जिनका था, क्योंकि अब यहाँ जो सैलरी है यह 7.5 लाख से 7.5 लाख से पार कर जा रही है तो इनका इनकम टैक्स बनेगा, तो उसका कैलकुलेशन अलग से होगा जिसको बाद में हम बता देंगे कितना टैक्स बनेगा। यहाँ केवल मैं एनपीएस ही इनका कटा रहा हूँ। तो बेसिक पे और डीए का 10%, जो कि बेसिक पे डीए को जोड़ करके 10% निकालेंगे तो 7283 रुपया बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए इन हैंड सैलरी, अब टोटल अर्निंग इनकी कितनी है, 74698 का है, जिसमें 7283 एनपीएस में जाएगा। तो एनपीएस में एक चीज़ बता दें कि एनपीएस में जो पैसा जाता है 10% शिक्षक का, 14% गवर्नमेंट का, टोटल 24% जमा होगा कहाँ, एनपीएस खाते में जमा होगा। जब रिटायर होंगे तो 60% धनराशि नगद दे दी जाएगी और 40% धनराशि का पेंशन बनता है याद रखिएगा। तो इन हैंड सैलरी मिलेगी 67415 रुपये। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब।